नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं राजस्थान ज्योग्राफी की श्रृंखला में। बच्चे आज अपन बात कर रहे हैं यहां पर और बात कर रहे हैं राजस्थान की झीलों की। उसके अंदर अपन ने झीलों की क्लास यहां पर ले ली थी और अब जो अपन बात करने वाले हैं वो झीलों की, जो मीठे पानी की झील है उसमें नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट झील की बात करूँ तो पुष्कर झील है भाई, पुष्कर झील। ये जो पुष्कर झील है, इस पुष्कर झील की बात करूं तो ये इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। किससे हुआ है बच्चे? ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है। तो देखो, ज्वालामुखी से जब निर्माण होता है झीलों का तो वहां पर दो प्रकार से झीलें बनती है। देखो, जब ज्वालामुखी फटेगा, जब लावा यहां से निकलेगा और जब ये लावा समाप्त हो जाएगा तो इस जगह पर इस प्रकार से एक बंजर भूमि इस प्रकार से बन जाएगी जहाँ पर पानी आकर भरेगा और इससे झील का निर्माण होगा। अगर ये भाग अगर बड़ा भाग है तो वहाँ पर कालडेरा बनेगा, यानी कि कालडेरा झील बनेगी, और अगर ये भाग छोटी है तो छोटा भाग बनेगा तो यहाँ पर क्रेटर झील बनेगी। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस पुष्कर झील की तो पुष्कर झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। कैसे हुआ है बच्चे? ज्वालामुखी से इस झील का निर्माण हुआ है। देखो बच्ची, पुष्कर झील का जो निर्माण हुआ है वो कैसे होगा? वो ज्वालामुखी से होगा। ज्वालामुखी से इसका निर्माण होगा और ज्वालामुखी से होने के कारण इसको क्या कहते हैं? कालडेरा झील। क्या कहेंगे बच्चे? कालडेरा झील। तो देखो, कालडेरा झील की मैं बात करूं तो कालडेरा जो झील है, ये कालडेरा झील का एक उदाहरण अपनी पुष्कर झील है। भारत की सबसे बड़ी जो कालडेरा झील है, अब देखो भारत के संदर्भ में पूछा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी कालडेरा झील, भारत की सबसे बड़ी कालडेरा झील है लोनार झील। और लोनार झील की मैं बात करूं तो लोनार झील है महाराष्ट्र में। कहां पर है मेरे बच्चे? लोनार झील कहां पर है? महाराष्ट्र में लोनार झील है। तो यहां पर ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसको कालडेरा झील के नाम से भी जानते हैं। तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी, देखो बच्चे यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कालडेरा झील कौन सी है? तो वो झील है अपनी पुष्कर झील। तो लिखो इसके अंदर, लिखो कुछ बातें। यह झील, देखो यह झील कहां पर है? अजमेर में। लिखो, यह झील अजमेर में स्थित है। यह झील अजमेर में स्थित है। यह झील अजमेर में स्थित है। इस झील का निर्माण इस झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, इसलिए इस झील को कालडेरा झील कहा जाता है। ठीक है, फिर लिखो, भारत की सबसे बड़ी कालडेरा झील लोनार झील है। भारत की सबसे बड़ी कालडेरा झील लोनार झील है जो महाराष्ट्र में स्थित है। ये बात भी ध्यान रखनी है। फिर लिखो, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कालडेरा झील पुष्कर झील है। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कालडेरा झील कौन सी बच्चे? पुष्कर झील है। कौन सी झील है? पुष्कर झील है। ठीक है बच्चे, चलें आगे। अब देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चे तो इसके बारे में और क्या चीजें याद रखनी है इस झील के बारे में, कि इस झील का जो निर्माण करवाया गया पुष्कर के ब्राह्मणों द्वारा, इसका निर्माण करवाया पुष्कर
ब्राह्मणों द्वारा। अब देखो पौराणिक कथाएं तो ये कहती है भाई ब्राह्मणों ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, लेकिन ज्योग्राफी कहती है कि भाई ब्राह्मणों ने नहीं करवाया, ये ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है जिसको कालडेरा झील कहते हैं। तो एक लाइन लिख लो, आप भी लिखो, इस झील का निर्माण पुष्कर के ब्राह्मणों ने करवाया, इस झील का निर्माण पुष्कर के ब्राह्मणों ने करवाया। फिर देखो इस झील की बात, इस झील की मैं बात करूं तो इस झील पर 52 घाट स्थित है। कितने घाट स्थित है? 52। इस झील पर 52 घाट स्थित है। कितने घाट स्थित है? वही 52 घाट स्थित है। इन 52 घाट में एक घाट को महिला घाट कहते हैं, महिला घाट। और इस महिला घाट की मैं बात करूं तो वर्तमान में गांधी जी जो है, गांधी जी की वहां पर अस्थियां प्रवाहित की गई, इसलिए इसको गांधी घाट भी बोलते हैं, गांधी घाट भी इसको अपन बोलते हैं। लिखो भाई, इस झील के किनारे 52 घाट स्थित हैं, इस झील के किनारे 52 घाट स्थित हैं, उनमें एक घाट को महिला घाट कहा जाता है, उनमें एक घाट को महिला घाट कहा जाता है, महिला घाट कहा जाता है, उनमें एक घाट को महिला घाट कहा जाता है। वर्तमान समय में महिला घाट पर गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई। इसलिए उसे गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पूछा जाए गांधी घाट कहाँ पर है तो पुष्कर झील पर है। ठीक है बच्चे, चलें आगे। अब देखो इस झील को कुछ संज्ञा दी गई, और संज्ञा क्या दी गई बच्चे, इस झील को संज्ञा ये दी गई, देखो भाई इस झील को संज्ञा दी गई, और संज्ञा क्या दी गई भाई इसको कहा गया इस झील को हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ इसको कहा गया। दूसरा इसको कहा गया तीर्थों का राजा। क्या कहा गया बच्चे? तीर्थों का राजा और सबसे पवित्र स्थान। तो लिखो, एक लाइन लिखो यहां पर, इस झील को हिंदुओं का पांचवा तीर्थ स्थल भी डेस लगाकर तीर्थों का राजा सबसे पवित्र स्थल और तीर्थराज, इतने सारे नामों से जाना गया भाई। देखो हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, ठीक है, तीर्थों का राजा, पवित्र स्थल और तीर्थराज के नाम से इसको जाना गया। अब देखो इस झील के किनारे की बात कर रहा हूं मैं, इस झील के किनारे कौन कौन स्थित है? तो इस झील के किनारे की बात करूं तो भर्तृहरि की गुफा इसी की झील के किनारे है, कण्व मुनि का आश्रम इसी झील के किनारे है, ब्रह्मा जी का मंदिर, वराह मंदिर, सावित्री महल और यहां पर कौरव पांडवों की किदवंती यहां पर मिलती है, और इसी के बाद रमा बैकुंठ नाथ जी का मंदिर भी यहां पर आपको मिलेगा। तो लिखो, इस झील के किनारे निम्न पर्यटक स्थल स्थित है। इस झील के किनारे निम्न पर्यटक स्थल स्थित है। पहला लिखो भर्तृहरि की गुफा
भर्तृहरि की गुफा लिखा, फिर इसके बाद लिखो भर्तृहरि की गुफा लिखा भाई, फिर इसके बाद लिखो कण्व मुनि का आश्रम, कण्व मुनि का आश्रम, कण्व मुनि का आश्रम, फिर लिखो ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, फिर लिखो वराह मंदिर, वराह मंदिर, फिर लिखो भाई रमा, यहाँ लिखो रमा वैकुंड नाथ जी का मंदिर, रमा वैकुंड नाथ जी का मंदिर, व कौरव पांडवों की मिलन किदवंती, कौरव पांडवों की मिलन किदवंती। ठीक है बच्चे, चले आगे, अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो पुष्कर झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ, इसलिए इसको कालडेरा झील कहते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कालडेरा झील है। भारत की सबसे बड़ी लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, इस पर 52 घाट है, जिसको एक को महिला घाट कहेंगे। उसमें से महिला घाट पर गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई, इसलिए इसको गांधी घाट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इसको संज्ञा दी गई भाई हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, तीर्थों का राजा, तीर्थराज और पवित्र झील इसको कहा गया। ठीक है, पुष्कर के ब्राह्मणों ने इसका निर्माण करवाया। इतनी सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। देखो बच्चे, इसी झील के बारे में अगर बात करें तो 1947 में कनाडा सरकार के द्वारा इसकी गाद की सफाई करवाई गई। देखो यहाँ पर पुष्कर गेप परियोजना चली, कौन सी चली, पुष्कर गेप परियोजना। और पुष्कर गेप परियोजना के ये जो पुष्कर गेप परियोजना थी, पुष्कर गेप परियोजना, तो पुष्कर गेप परियोजना 1997 में कनाडा के द्वारा चलाई गई। इस झील पर कनाडा ने इस झील को साफ करवाया, गाद की समस्या थी उसको सॉल्व करवाया। तो लिखो यहां पर 1997 में कनाडा के द्वारा इस झील की सफाई करवाई गई। करवाई गई जो पुष्कर गेप परियोजना के अंतर्गत करवाई, जो पुष्कर गेप परियोजना के अंतर्गत करवाई। देखो यहां पर कार्तिक पूर्णिमा को, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कार्तिक पूर्णिमा को यहां पर रंगीन मेला लगता है। इस रंगीन मेला को गुब्बारा मेला भी कहते हैं, गुब्बारा मेला। क्या कहते हैं बच्चे, गुब्बारा मेला भी से कहते हैं। ठीक है, लिखो लिखो भाई, कार्तिक पूर्णिमा को इस झील पर रंगीन मेला लगता है, जिसे गुब्बारा मेला भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है बच्चे, गुब्बारा मेला भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट झील की तरफ चलते हैं। और जो अपनी नेक्स्ट झील आ रही है, वो नेक्स्ट झील आ रही है बच्चे यहाँ पर आना सागर झील। आना सागर झील, देखो मेरे प्यारे बच्चा, आना सागर झील अजमेर में है, नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य। आना सागर झील कहाँ पर है, अजमेर में, अजमेर के अंदर ये झील नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य, नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य ये झील है।
पृथ्वीराज चौहान के पिता थे अर्णोराज। देखो भाई पृथ्वीराज, पृथ्वीराज के अगर पिता की बात करूं तो पृथ्वीराज के जो पिता थे वो कौन थे? अर्णोराज। अर्णोराज की बात करूं तो अर्णोराज ने यहां पर 1135 से 1135 व 37 में तुर्की जो यहाँ पर तुर्कियों का आक्रमण हुआ था भाई यहाँ पर, ठीक है, राजस्थान के अंदर बात करूँ तो अजमेर के अंदर तुर्कियों का आक्रमण हुआ था, तो 1135 से 37 में तुर्की सेना के नरसंहार के बाद तुर्की सेना के नरसंहार के बाद खूनी भूमि को इस झील के द्वारा साफ किया। ठीक है मेरे बच्चे, लिखो लिखो एक लाइन लिखवाता हूं। पृथ्वीराज के पिता अर्णोराज ने पृथ्वीराज के पिता अर्णोराज ने 1135 से 37 में तुर्की सेना के नरसंहार के बाद खून में रंगी धरती को साफ करने के लिए इसका निर्माण किया गया। ठीक है बच्चे, देखो इस झील की बात करो, इस झील के अंदर चंद्रा और बांडी नदी, चंद्रा और बांडी नदी का पानी इस झील के अंदर आकर गिरता है, तो लिखो एक लाइन, इस झील में चंद्रा व बांडी नदी का जल आकर गिरता है, चंद्रा व, ठीक है भाई। अब देखो जहांगीर के द्वारा यहां पर दौलत बाग व सुभाष उद्यान बनाया गया, जहांगीर की बात करूं तो यहां पर दौलत बाग या फिर सुभाष उद्यान बनाया गया, सुभाष उद्यान या दौलत बाग यहां पर बनाया गया। और सुभाष उद्यान और दौलत बाग की मैं बात करूं तो इस बाग में जहांगीर ने अंग्रेजी राजपूत सर टॉमस रो से वार्ता की थी। ठीक है, यहीं पर देखो भाई क्या हुआ कि जब अंग्रेज यहां पर आए 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अंग्रेज जब यहां पर आए तो उन्होंने पहले परमिशन ली, पहले क्या ली बच्चे, उन्होंने परमिशन ली, और परमिशन ये ली कि हम यहां पर क्या व्यापार कर सकते हैं, तो पहली बार उनको परमिशन दे दी गई, लेकिन कुछ समय के बाद उस परमिशन को वापस ले लिया गया। और जब दूसरी बार ये परमिशन लेने आए तो टॉमस रो आए थे, कौन आए थे? टॉमस रो। और टॉमस रो से जहांगीर ने वार्ता की थी, टॉमस रो सीधा आया, उस समय का जो राजा था वो जहांगीर था, जहांगीर से उन्होंने बात की और जहांगीर ने कहा कि चलो ठीक है तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। और ये सारी बात कहाँ पर हुई थी? सुभाष उद्यान या दौलत बाग में सारी बात हुई थी। तो लिखो जहांगीर ने इस झील पर दौलत बाग व सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया, जहांगीर ने इस झील पर दौलत बाग वह सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया, सुभाष उद्यान या दौलत बाग का निर्माण करवाया। ठीक है बच्चे, फिर लिखो, देखो यहां पर अगर मैं बात करूं जहांगीर की वाइफ का नाम क्या था? असमत बेगम। और असमत बेगम के सॉरी नूरजा, भाई नूरजा की जो वाइफ थी वो थी असमत बेगम, नूरजा की माती, भाई क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। देखो भाई नूरजा किसकी वाइफ थी? ये जहांगीर की वाइफ थी, पत्नी थी भाई इसकी। और नूरजा की जो माँ थी
वो माँ थी असमत बेगम। असमत बेगम, ये जो असमत बेगम थी इसने यहां पर इत्र बनाया गुलाब से। गुलाब से क्या बनाया? इत्र का आविष्कार इसने किया था भाई असमत बेगम ने। ठीक है, तो लिखो एक लाइन लिखो लिखो यहीं पर कंटिन्यू लिखो यहीं पर नूरजहां की मां असमत बेगम ने, यहीं पर नूरजहां की मां असमत बेगम ने, असमत बेगम ने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया, गुलाब से इत्र का आविष्कार किया। देखो जहांगीर ने अपनी वाइफ यानी कि नूरजहां, जहांगीर की वाइफ कौन थी? नूरजहां, उसके नाम पर यहां पर भी महल बनाया। ठीक है मेरे भाई, अब लिखो। देखो शाहजहां जो थे, शाहजहां ने यहां पर 5-12 दरियों का निर्माण करवाया, जिनमें 4 तो पूर्ण रूप से बनी हुई थी और एक अधूरी है, उसे कहते हैं संगमरमर की छतरी। जो अधूरी है उसको क्या कहेंगे? संगमरमर की छतरी। तो लिखो शाहजहां ने इस झील पर 5-12 दरियों का निर्माण कराया, 5-12 दरियों का निर्माण करवाया, जिनमें 4 पूर्ण रूप से बनी है, जिनमें 4 पूर्ण रूप से बनी है और एक अधूरी है, एक अधूरी है। इस अधूरी को संगमरमर की छतरी कहा जाता है। ठीक है, तो आना सागर झील के बारे में आपको ये तथ्य ध्यान रखना है बच्चे। रख लोगे क्या? रख लोगे ना। अब बात करते हैं अपन आगे नक्की झील की। किसकी बात करेंगे? नक्की झील की। देखो बच्चे नक्की झील, नक्की झील कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। देखो भाई ये जो नक्की झील है माउंट आबू सिरोही में है। ठीक है, इसका निर्माण भी ज्वालामुखी से हुआ है। इसका निर्माण भी कैसे हुआ है? ज्वालामुखी से। इसलिए इस झील को क्रेटर झील कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रेटर झील। ठीक है मेरे बच्चे, और कुछ पौराणिक कथाओं के अंदर ये लिखा हुआ है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इसका क्या किया था? निर्माण किया था। तो लिखो आप, तो एक लाइन लिखो यह झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है, यह झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इस झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, इसलिए इस झील को क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है, क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। लिखो विशेषता क्या है? देखो ये झील सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर यह है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर भी है, सबसे गहरी झील भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, लिखो यह झील राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, यह झील राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, यह झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है, और देखो ऊंचाई पर है इसलिए यहां पर बर्फ जम जाती है क्योंकि सर्दियों में यहां का टेम्परेचर कम हो जाता है। लिखो यह झील राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है, यह झील राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती है, जो सर्दियों में क्या हो जाती है? जम जाती है। अब देखो इस झील को गरासिया जनजाति के लोग पवित्र मानते हैं भाई। तो लिखो इस झील को गरासिया जनजाति के लोग पवित्र मानते हैं। ठीक है बच्चे, लिख लिया। देखो इस झील के किनारे कुछ पर्यटक स्थल भी है जिसमें रघुनाथ जी का मंदिर बहुत फेमस है भाई। रघुनाथ जी का मंदिर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो लिखो यहां पर नक्की झील के तट पर स्थित पर्यटक स्थल, नक्की झील के तट पर स्थित पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थल, नक्की झील के तट पर स्थित पर्यटक स्थल। पहले लिखो रघुनाथ जी का मंदिर,
रघुनाथ जी का मंदिर। दूसरा लिखो टोड रोग, टोड रोग। फिर लिखो नन रोग और पेस्ट रोग, यानी कि टोड रोग, नन रोग और पेस्ट रोग यहाँ पर क्या है, पर्यटक स्थल है। ठीक है बच्चे, चले आगे। देखो यहाँ पर कुछ गुफाएं भी है जिसको राम झरोका गुफा है। कौन सी है? राम झरोका है, चंपा है और एक गुड़ा है। तीन यहाँ पर गुफा है भाई, तीन यहाँ पर क्या है, गुफा है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें लिखो इस झील पर तीन गुफा स्थित है। तीन गुफा में पहले लिखो राम झरोका, दूसरी लिखो फिर चंपा, तीसरी लिखो हाथी गुड़ा। ये तीन गुफा यहां पर देखने को मिलती हैं। चले अब चलते अपन आगे नेक्स्ट झील की तरफ। और नेक्स्ट झील जो अपनी आने वाली है वो नेक्स्ट झील है फाइज सागर झील। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, छोटे छोटे झीलें रह गए अब। फाय सागर झील, इंजीनियर फाई ने इसका निर्माण किया था, इसलिए इसको फाय सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो सुनो भाई, 1891 की बात है भाई, ध्यान से सुनना। 1891 में अकाल राहत चला, और अकाल राहत जो चला ये अकाल राहत अजमेर में चला। और अजमेर की बात करूँ तो इसका जो निर्माण करवाया गया वो निर्माण अजमेर नगर परिषद के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। जो अजमेर नगर परिषद है उसके द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। और यहाँ की बात करूँ तो अजमेर नगर परिषद ने बांडी नदी पर एक बांध बनाया और इसका निर्माण किया। इसने कैसे किया? बांडी नदी पर बांध बनाया, बांडी नदी पर क्या बनाया, बांध बनाया। ठीक है भाई, हाँ लिखो एक लाइन यहाँ तक तो लिखो। लिखो 1891 में, हेडिंग लगा कर लिखो 1891 में अकाल राहत कार्य के अंतर्गत, अकाल राहत कार्य के अंतर्गत, अकाल राहत कार्य के अंतर्गत अजमेर नगर परिषद ने बांडी नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया। देखो झील का नामकरण, झील के नामकरण की बात करूँ तो अंग्रेजी इंजीनियर फाई ने इस झील का नक्शा डिजाइन किया, इसको बनाया, इसलिए इस झील को फाई सागर झील के नाम से जाना जाता है। तो लिखो अंग्रेजी इंजीनियर फाई के नाम पर इसी झील का नाम रखा गया, इसी झील का नाम रखा गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो भाई अब आएगी बिसलसर झील। बिसलसर झील, देखो बिसलसर झील की मैं बात करूं तो बिसलसर झील अजमेर में है। ठीक है, तो लिखो यह झील अजमेर में है, यह झील अजमेर में है। ठीक है, अब देखो इस झील का जो निर्माण किया गया वो बिसल देव के द्वारा कराया गया। महाराजा बिसल देव के द्वारा करवाया गया, और महाराजा बिसल देव के द्वारा 1152 से 1162 के मध्य प्रतापी शासक बिसल देव के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। तो लिखो इस झील का निर्माण 1152 से
1162 ईस्वी में 1152 से 1162 ईस्वी में 1152 से 1162 ईस्वी में प्रतापी शासक बिसलदेव के द्वारा करवाया गया। देखो इस बिसलदेव को ही विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है, ठीक है, द्वारा करवाया गया। देखो मुगल बादशाह जहांगीर ने इस झील के किनारे एक महल बनवाया जो वर्तमान में चर्च है। जो क्या हुआ है, वर्तमान में चर्च है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत, चले आगे। देखो भाई तो यहां तक आपके सभी के समझ में आ रहा होगा, ठीक है, पूरे के पूरे नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। अब देखो इससे इसके बाद में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एक बहुत अच्छी सी झील यहाँ पर पढ़ेंगे, और ठीक है भाई, क्या पढ़ेंगे, बहुत अच्छी सी यहाँ पर झील पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चल पूरी करवा देता हूँ, ठीक है भाई, मिटा दूँ। देखो यहाँ से अगर अपन बात करते हैं तो देखो यहाँ पर एक झील जो और है इम्पोर्टेंट, फिर उसके बाद में नहीं यहाँ पर ज़्यादा झील इम्पोर्टेंट, तो देखो यहाँ पर लिखो एक लाइन, एक झील लिखो, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील उदयपुर में, बच्चे कहाँ पर है, उदयपुर में। तो सबसे पहले आपको लोकेशन पता होना चाहिए, फतेह सागर झील कहाँ पर है, उदयपुर में। देखो जय सिंह प्रथम ने 1680 ईस्वी में इस झील का निर्माण करवाया था, जय सिंह प्रथम ने इस झील का निर्माण 1680 में कब किया गया था बच्चे, 1680 में इस झील का निर्माण करवाया। तो लिखो जय सिंह प्रथम ने 1680 में, जय सिंह प्रथम ने 1680 में इस झील का निर्माण करवाया। देखो इस झील को देवली तालाब भी कहते हैं, देवली तालाब इसलिए कहते हैं कि उदयपुर के देवली गांव में, देवली गांव के अंदर ये झील है, इसलिए इसको देवली तालाब के नाम से जानते हैं। तो लिखो इस झील को देवली तालाब के नाम से भी जाना जाता है, देवली तालाब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है बच्चे। अब देखो इसका जो पुनर्निर्माण करवाया गया इस झील का, तो 1889 में महाराजा फतेह सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, महाराजा फतेह सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो लिखो इस झील का पुनर्निर्माण महाराजा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया, महाराजा फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया। देखो इस झील की जो नींव रखी थी, वो नींव रखी थी भाई एक अंग्रेजी था भाई, ड्यूक ऑफ कनॉट ने इस झील की नींव रखी थी, इसलिए इस झील के ऊपर एक बांध बनाया जिसको बोलते हैं कनॉट बांध। क्या बोलते हैं, कनॉट बांध। तो लिखो इस झील पर कनॉट बांध बना है। लिख लिया, फिर लिखो विशेषता, और लिखो विशेषता में लिखो, देखो इस झील पर सौर वेधशाला स्थित है। क्या है मेरे बच्चे, सौर वेधशाला।
देखो बच्चे, इस झील पर सौर वेधशाला स्थित है। क्या स्थित है? सौर वेधशाला स्थित है। इस झील पर एक टापू है जहां पर नेहरू उद्यान विकसित किया गया। तो लिखो, इस झील पर एक टापू है वहां पर नेहरू उद्यान विकसित किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, एक छोटी सी झील और रह गई, वो भी करा देता हूँ कंप्लीट, ताकि आपको कोई भी झील ऐसा अधूरा आपको महसूस नहीं हो। लिखो गजनेर झील। गजनेर झील कहाँ पर है? बीकानेर में। लिखो बच्चे गजनेर झील, लिखो यह है, लिखो हेडिंग लगाओ पहले गजनेर झील। देखो ये गजनेर झील की मैं बात करूं तो बीकानेर से 32 किलोमीटर की दूरी पर वहां के प्रतापी राजा गजनेर सिंह के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया, इसलिए इसका नाम गजनेर झील रखा गया। लिखो लिखो यह झील बीकानेर से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखो गजनेर झील को गंगा सरोवर झील के नाम से भी जानते हैं भाई वर्तमान में, तो लेकिन एक लाइन लिखो, गजनेर झील को वर्तमान में गंगा सरोवर झील के नाम से जानते हैं। गंगा सरोवर झील के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, चले आगे। अब देखो बच्चे, यहां पर कुछ अन्य झीलें हैं और उन अन्य झीलों के बारे में सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये झील कहां पर है। तो आप लिखते जाओ, एक एक वन लाइन में लिखवा रहा हूं आपको। लिखो नवलखा झील बूंदी में है। अन्य झीलें लिखवा रहा हूं भाई, इनके बारे में सिर्फ आपको लोकेशन पता होना चाहिए भी कहां पर है। नवलखा झील बूंदी में है। दूसरी लिखो गेव सागर झील डूंगरपुर में है। उदय सागर झील उदयपुर में है। गढ़सी सर झील। देखो गढ़सी सर झील जैसलमेर में। फिर लिखो दुगारी झील। और दुगारी जो झील है वो बूंदी में है। दुगारी झील बूंदी में है। ठीक है भाई, फिर लिखो मानसरोवर झील झालावाड़ में है। कहां पर है? झालावाड़ में। फिर लिखो बुड्ढा जोहड़ झील गंगानगर में है। प्रीतमपुरी झील सीकर में है। फूल सागर झील अजमेर में है। तो इन झीलों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो मीठे पानी की झीलें समाप्त होती है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। तो मेरे प्यारे बच्चा, जब तक आप इसके नोट्स बनाइए, अपने स्टडी को अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट क्लास में अपन खारे पानी की झीलें पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।